हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। एम आई ऑडिबल गाइस? माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल? प्लीज कंफर्म यस। एंड टुडे इन दिस सेशन वी विल सी द एक्चुअल जीके एनालिसिस, जो अभी एग्जाम्स एंड हुआ है, आप लोगों ने भी अपीयर किया है। एंड हियर आई कैन सी द सम मैसेज, हाउ वाज द पेपर गाइस? जीके वाज द क्वाइट टफ एंड डू दिस अदर कैंपस बिलो दैट कट ऑफ एंड I am hoping I get 14. Okay. Hello, Dablina. Hello, all. Okay, guys. So today, especially in this session, actual paper ka analysis karenge. Okay. Ki kaisa tha actual paper, and you can also you people also can share your experience. Ki how was the paper? Kaisa tha? Tough tha? Current affairs. As per me, paper was मॉडरेट टू डिफिकल्ट। करेंट अफेयर्स ओरिएंटेड ज़्यादा क्वेश्चन थे, स्टैटिक जीके से बहुत लेस क्वेश्चन आए थे। जीके वॉज वेरी टफ, वेरी वेरी, ओ माई गॉड, वेरी वेरी टफ। ओके, एंड हियर आई विल शेयर द एक्चुअल क्वेश्चन, जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो मैंने मेमोराइज करके पूरा क्वेश्चन को नोट डाउन किया है। इट मे बी सम क्वेश्चन विल बी एज इट इज, सम क्वेश्चन को एज पर माई माइंड जो मैं रीड करके उसको कंसर्न करके समझ पाए उसके अकॉर्डिंग है। सम क्वेश्चन के एग्जैक्ट आंसर्स भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, एंड सम क्वेश्चन के एक दो क्वेश्चन ऐसे है जिसके एग्जैक्ट आंसर मुझे भी रिमेंबर्स नहीं है। ओके, तो आप लोग को अगर से एग्जैक्ट आंसर पता होगा तो यू कैन शेयर हियर। सो डेफिनेटली आई विल अपडेट इट, एंड आफ्टर अपडेट आई विल शेयर द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब सो आपको एक्चुअल क्वेश्चंस का पूरा डिटेल्स भी मिल जाएगा। अभी के लिए यहाँ पे हम जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। टफ था सर, जीके वॉज अ मॉडरेट, इट बिकम अ बिट हार्ड टू आंसर। सी आई थिंक सर, इफ आपने करेंट अफेयर्स को अच्छे से स्टडी किया होगा ना, तो आई डोंट थिंक कि आपको 14 मार्क्स के लिए कोई डिफिकल्टी होगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द 25 क्वेश्चन नियर बाई, 25 क्वेश्चन नियर बाई एज पर मी, एज आई एनालाइज द ऑल द क्वेश्चन, सो 25 नियर बाई 25 क्वेश्चन वॉज फ्रॉम द करेंट अफेयर्स। कुछ भी स्कीम पूछे थे, देखो कन्याश्री जो स्कीम है वो तो बहुत ईजी था मिताली, आई डोंट थिंक कि वो उसको रिमेंबर या अगर थोड़ा भी करेंट अफेयर्स पे फोकस कर रहे हो तो वो स्कीम बहुत ईजी था, जो पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल से था। ठीक है, देखते वन बाई वन करके क्वेश्चन। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन था, खुआंगो इज द ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच इंडियन स्टेट, कौन से इंडियन स्टेट से था? सो मिजोरम था। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, नो डाउट, बिकॉज आर्ट एंड कल्चर से है ये क्वेश्चन, एंड मिजोरम से ये बिलोंग करता है, बट इसको अगर किसी ने आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया होगा तो ठीक है, उसको इजिली वो हैंडल कर सकता है, अदरवाइज इट मे बी लिटिल बिट डिफिकल्ट फ्रॉम द स्टैटिक जीके। सो ये क्वेश्चन आपका स्टैटिक ओरिएंटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, इज इंडियन ऑफिशियल एंट्री टू द ऑस्कर 2022 एंड हैज मेड इन टू द टॉप 5 नॉमिनेटेड इन इट्स कैटेगरी। देखो ये तो एकदम वेल नोन ओपन क्वेश्चन था कि ऑस्कर से मोस्टली एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन। आप जितने भी मेरे करंट अफेयर्स के वीडियो देखे रहोगे या जो भी क्लासरूम्स के यहाँ पे स्टूडेंट होंगे उनको मैं कंटिन्यू गाइड करता था कि मूवी से रिलेट करके क्वेश्चन आएगा, एंड आया भी है यहाँ पे क्वेश्चन। सो ऑस्कर से रिलेट करके आए तो राइटिंग विद द फायर, जो कि एक दिल्ली बेस्ड मूवी है, वो यहाँ पे टॉप 5 में नॉमिनेट हुई है, तो और ये मैंने बहुत हाईली रिकमेंड किया था करेंट अफेयर्स के इसको स्टडी करना है, तो जिन्होंने इसको मार्क किया रहेगा उनका राइट होगा। देखो यहाँ पे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फिनटेक ऐप जो होते हैं ना, डेवलपमेंट डजेंट डिपेंड ऑन, अब ये किस चीज पे डिपेंड नहीं होते, वहां पे 4 टाइप के क्वेश्चंस दिए, ऑप्शन दिए थे। अब उसमें आई थिंक एक प्रॉफिट था, एक प्रॉफिट था, डिड एनीवन गेट दैट एप्लीकेशन इज फ्रॉम डिफ। ओके, नाउ कॉन्सेंट्रेट हियर एवरीवन, अभी इस पे कॉन्सेंट्रेट कर लो, आफ्टर दैट आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, अब देखो फिनटेक ऐप डेवलपमेंट डजेंट डिपेंड ऑन, अब इसका एग्जैक्ट आंसर क्या था ना वो मेरे माइंड में नहीं है, और इट वॉज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन्स एंड टेक्निकल नॉलेज, इस तरह से कुछ तो ऑप्शन था। अगर से इफ एनी वन नो ना, तो आप यहाँ पे मैसेज, आप चैट बॉक्स में इसका एग्जैक्ट आंसर क्या था वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, तो आई विल अपडेट इट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, इट वॉज वेरी इजी। अगर से आप ये अवार्ड सेक्शन जो मैंने रिकमेंड किया था, अगर से मैंने जो अवार्ड सेक्शन मैंने रिकमेंड किया था उसको आपने स्टडी किया होगा, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हु वॉज एडजस्ट द आईसीसी वेमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021, श्रीमती मंदना। बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा भी करंट अफेयर्स पे फोकस करोगे तो ये क्वेश्चन आप मार्क कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद देखो ये वाला जो क्वेश्चन था, जो क्या क्या नाम था उस आईलैंड का, टोंडा आईलैंड था ना, आई थिंक सो,
जो ये मैंने मार्क भी किया था करंट अफेयर्स में कि यहां से क्वेश्चन की हाई पॉसिबिलिटी हो सकती है. ओके, द एक्सप्लोजन अंडर वाटर वोल्केनो 2020 एरप्शन इन कौन से ओशियन में हुआ? तो वहां पे सारे ओशियन थे, पैसिफिक ओशियन. पैसिफिक ओशियन इट वॉज द राइट आंसर. फर्स्ट ऑप्शन वॉज ए आई. हाँ, अब देखो जो भी ऑप्शन था डेबलिना, सो ठीक है, इसको मैं कंसर्न कर लूंगा. ये क्वेश्चन भी काफी ईजी है. ज्योग्राफी ज्योग्राफी एंड करेंट अफेयर्स को कनेक्ट करके ये क्वेश्चन पूछा गया. सो दीज ऑल आर द फाइव क्वेश्चन जहां से टू क्वेश्चन को बहुत ईजिली आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम. और इसका भी आंसर आप कर सकते थे अगर थोड़ा सा जो फाइनेंशियल टेक टाइप के ऐप होते हैं ना, फिन टेक ऐप, तो ये भी आंसर कर सकते हो. थ्री मार्क्स यहाँ से बहुत ईजिली मिल जाएंगे. और यहाँ पे अगर से करेंट अफेयर्स पे फोकस किया होगा थोड़ा सा, तो फोर मार्क्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है. बाय द वे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है फॉर ऑल, सबके लिए ये डिफिकल्ट हो सकता है. बाकी यहाँ से फोर क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी इजिली हो जाएगी आउट ऑफ दिस फाइव क्वेश्चन. नेक्स्ट पे आते हैं, भुवन पंचायत 3.0 इज अ टेक्नोलॉजी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन. इसको देखो, ऑप्शन ही देखोगे ना तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आप मार्क कर सकते हो. अब यहां पे ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, टेक्नोलॉजी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, इसका एग्जैक्टली शायद मुझे भी उस टाइम पे रिमेंबर नहीं हो, तो बट डिफेंस नीति आयोग को मैंने एलिमिनेट करके मैंने इसरो ही मार्क किया था, तो इसरो इसका राइट आंसर था. गवर्नमेंट स्कीम से बेसिकली ये क्वेश्चन है. ठीक है, देन यहां पे थर्ड कोविड वैक्सीन टू अप्रूव बाय द चिल्ड्रन इन इंडिया. ठीक है, तो क्रोवोवैक्स बहुत इजी क्वेश्चन है. आप कंटिन्यू रीड कर रहे हो कि ये जो लास्ट में टू वैक्सीन क्रोवोवैक्स एंड कोवोवैक्स को अप्रूवल मिला है ना, लास्ट मैंने क्या बोला था कि इससे 100% क्वेश्चन आएगा, बिकॉज प्रीवियसली जब भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड को अप्रूवल मिला था तो उनसे 100% एग्जाम जो भी उस टाइम पे लॉ एंट्रेंस बीएड एंट्रेंस हुए थे उसमें आया था. जब भी ये अप्रूव हुआ था इससे रिलेट करके भी मैंने बताया था, जैन मंथ में आई थिंक से अप्रूवल आया था इसका, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी हाई पॉसिबिलिटी है. तो ये आपका राइट आंसर था, इसको भी मैंने मार्क किया था. देखो ये एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज द डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रॉम द स्टैटिक जीके. इनकम टैक्स इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस बाई, अब किसने इंट्रोड्यूस किया था, इट इज अ डिफिकल्ट. अगर बहुत डीप में किसी ने स्टडी किया है तो फिर वो मार्क कर सकता है, अदरवाइज नॉर्मल जब हम जीके स्टडी करते उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन डिफिकल्ट. हाँ, हो सकता है ऑप्शन हो सकता है मिताली, भारत इलेक्ट्रॉनिक भी था, बट ठीक है, ये आपका राइट आंसर है जो कि यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ राइट ऑप्शन यहाँ पे किए हैं, शो किए हैं, सारे ऑप्शन मैंने यहाँ पे शो नहीं किए. ओके, जेम्स विल्सन आई थिंक इन्होंने 1860 में किया था. ठीक है, देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे, यूनेस्को 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने जब भी मेरा वीडियो देखे रहोगे करेंट अफेयर्स का, क्लासरूम में भी जब भी हमारा क्लासरूम होता है वहाँ पे मैं जितने भी यूनाइटेड नेशन से रिलेट करके ऑर्गेनाइजेशन से उनसे रिलेट करके स्टडी करने के लिए आप लोगों को फोर्स किया था कि वहाँ से आपको स्टडी करना है. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स अगर से आपका बेटर है तो ईजिली मार्क कर लो कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. नो टीचर नो क्लास. ओके, फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा, इट्स वेरी सिंपल. किसी को इस क्वेश्चन में डाउट था क्या? फर्स्ट फीमेल ऑफ लोकसभा मीरा कुमार, इसमें किसी को डाउट था कि वो उनको कोई दूसरा ऑप्शन मार्क करने या फिर डिफिकल्टी थी? तो इस स्लाइड से भी अगर से आप देखो तो वन क्वेश्चन का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा, इसका भी मिल जाएगा, थ्री यहां से भी मिल जाएगा. चलो इसमें किसी को डिफिकल्टी हो सकती है, बाय द वे आउट ऑफ दिस फाइव क्वेश्चन थ्री से फोर की पॉसिबिलिटी यहां पे भी है. करेक्ट, बहुत ज्यादा आपका यहां पे ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट हो गया. ये भी करेंट अफेयर्स है, ये भी करेंट अफेयर्स है, ये एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है. अगर से आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी तो इसको मार्क कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आई थिंक सो. ये वाला भी ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम है, अगर आपने बहुत अच्छे से स्टडी नहीं किया तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है. सो बाय द वे आउट ऑफ दिस फाइव क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन इजिली मिल जाएगा, फोर क्वेश्चन अगर थोड़ी सी और बेटर अंडरस्टैंडिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, मैथिली एक्सप्रेस कनेक्टेड द ढाका इन बांग्लादेश विथ विच इंडियन सिटी, सिलीगुड़ी. अब देखो ये मे मंथ का न्यूज है, मे 2021 का न्यूज है, थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है नो डाउट, क्योंकि अभी इतना छः महीने में अगर से एक पुराना नाइन मंथ ओल्ड ये न्यूज है. अगर किसी का फोकस रहेगा तो ठीक है, मार्क कर सकते हो, अदरवाइज डिफिकल्ट क्वेश्चन के कैटेगरी में इसको रख सकते हो. नेक्स्ट वन इज विच लैंड बेस्ड इको सिस्टम हैज द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी. अब देखो ये ज्योग्राफी का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर से ज्योग्राफी आपने थोड़ी सी भी अच्छे से स्टैटिक जीके को स्टडी किया होगा तो आई डोंट थिंक कि इस क्वेश्चन को मार्क करने में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा. मेरा थोड़ा सा एक कंसर्न है कि वहां पे ये रेन वर्ड यू था कि नहीं था ऑप्शन में. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ये तो था, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट था, डेजर्ट था, इस तरह के ऑप्शन थे, बट ये आंसर्स आई थिंक वहां पे था, रेन वर्ड वहां पे था कि नहीं था, थोड़ा सा मैं
ठीक है, वो मुझे थोड़ा सा मिस हो रहा है, तो देख लेना आप लोग। एंड स्टार्टअप इंडिया सीड फाउंड स्कीम फंड स्कीम लॉन्च द प्रोवाइड द असिस्टेंट टू स्टार्टअप फॉर। अब देखो ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, अगर किसी ने बहुत डीप में स्टडी किया है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ अगर सिर्फ आप ओवरव्यू एमसीक्यू क्वेश्चन के वे में प्रैक्टिस किए हो तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड करके पूछा है। ठीक है, तो इसको भी डिफिकल्ट कैटेगरी में आप रख सकते हो। बाय द वे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन एथलीट हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर 2022 लूरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू अवार्ड। आप डेली करेंट अफेयर्स के सेशन वापस कब से लेंगे सर? वेरी शून, वेरी शून स्प्रदा पाकरेट, डोंट वरी, लेंगे। पहले आप आज का सेशन थोड़ा सा अपीयर कर लो, आप लोग देख लो, थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लो, क्या हो सकता है। ठीक है, नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा जिसका राइट आंसर वो ऑप्शन में भी था वहां पे। ओके, बंधन बैंक वॉज स्टार्टेड इन इंडिया 2001 फॉर। अब देखो ये इसका ऑप्शन पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसका जो एक्चुअल ऑप्शन एग्जाम में था ना, क्वेश्चन से आप अवेयर रहो, देखो उसके लिए भी काफी बेनिफिशियल होगा जो नेक्स्ट ईयर अपियर करने जा रहे हैं, जो अपियर करके आपको भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी। इसके ऑप्शन में आई थिंक देयर वाज ओनली वेमेन, वेमेन करके था, या फिर माइक्रो फाइनेंस, ऐसा कुछ तो था वहां पे। बंधन बैंक वाज स्टार्टेड इन इंडिया 2021 फॉर माइक्रो फाइनेंस फॉर वेमेन, ये तो मैंने अपने से आंसर लिखा है सर्च करके, बट मुझे जो रिमेंबर है ना वेमेन वॉज देयर, इट मे बी रॉन्ग और राइट, जो भी हो सकता है, आई थिंक ये वर्ड वहां पे था जो मैंने मार्क किया था, तो इसलिए मुझे रिमेंबर है, और अदर ऑप्शन क्या थे वो अभी मुझे रिमेंबर नहीं है। ओके, मैंने तो नीरज चोपड़ा ही मार्क किया था। ये क्वेश्चन जो है ना, बंधन बैंक वॉज स्टार्टेड इन 2001 फॉर, सो इस स्लाइड से भी बहुत, हाँ वेमेन करके कुछ तो था एग्जैक्टली, तो वही मैंने भी मार्क किया था, इंपावरमेंट ऑफ द वेमेन रिलेशन, एंड अदर ऑप्शन वॉज माइक्रो लैंडिंग, एग्जैक्टली हो सकता है, बट मैंने भी यही मार्क किया था। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अ यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड फॉर द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट द फर्स्ट प्राइज। अब देखो ये एग्जैक्टली क्वेश्चन ना थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में था, इसको मैंने यहां पे फॉर्म किया, इसको मैं आपको अगर चाहिए ना पूरा पढ़ के यहां पे बता देता हूं। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड गिवेन टू द डेवलपमेंट ऑफ वेमेन चाइल्ड, ये सब पूरा सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर। अब ये स्कीम का नाम पूछा था, तो इसका बहुत ही वेल नोन स्कीम है कन्याश्री, इस यही राइट आंसर मैंने भी मार्क किया था और मैंने चेक भी किया, तो यही आंसर था। ठीक है, द लायन ऑफ होगा नहीं, अभी देखो अशान सी, अभी लायन ऑफ वो टॉप 5 कैटेगरी वाला पूछ रहा है, उस पर फोकस करो, उसमें और दूसरे मूवीज पे फोकस नहीं करना है, टॉप 5 कैटेगरी जो स्पेशल कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुआ है, तो उस क्राइटेरिया को भी ट्राई करो अंडरस्टैंड करने का। ओके, नेक्स्ट वन जो आपका क्वेश्चन है, शंकर नारायण मेनन वॉस कॉन्फर द पद्मश्री फॉर टीचिंग द प्रमोटिंग द, ये एक टाइप का स्पोर्ट है, एक टाइप का स्पोर्ट है, इट्स कॉल्ड द कलरी पट्टू, कलरी पट्टू एक केरला में एक टाइप का स्पोर्ट है, मार्शल आर्ट टाइप का, बिकॉज ही इज शॉर्ट लिस्ट, ही इज कॉन्फर्ड एंड फॉर द पद्मश्री। ठीक है, तो उसके लिए देखो यहाँ पे अवार्ड सेक्शन है, 26 जैन को ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 26 जैन को डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वहां से ये क्वेश्चन, पद्म अवार्ड से काफी क्वेश्चन आए हैं। ओके, तो यहां पे ये आप रिमेंबर्स रख सकते हो, और ये राइट भी मार्क किया था हमने। एंड द लेटेस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट ऑफ प्रोक्लेम इटसेल्फ एज द रिपब्लिक इज बारबाडोस। अब देखो ये तो मेरे लिए भी डिफिकल्ट था, थोड़ा सा रिमेंबर मुझे भी नहीं था कि कौन सी कंट्री हो सकती है, तो ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन की कैटेगरी में आप रख सकते हो। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज ईजी, क्योंकि फार्मर लॉ को हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया था, राइट। द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, इसका देखो कंप्लीट क्वेश्चन जो था ना, इट वॉज लाइक, मैं आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन रीड करके, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट में मैंने बहुत लेंथी क्वेश्चन था वो। सो द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एंड फैसिलिटेशन
प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 इंश्योर द बेटर प्राइस टू फार्मर एंड बेटर डील फॉर कंज्यूमर बाय. अब उसके लिए जो ऑप्शन था इट वॉज इंट्रा स्टेट एंड इंट्रा स्टेट ट्रेड, यही बेनिफिट था जिस एज पर द इंडियन नॉमिनीज फॉर. हाँ, नीरज चोपड़ा ही तो है, वही तो मैंने राइट दिया. ठीक है, सो जो इंट्रा स्टेट वाला ऑप्शन था ना वो मैंने भी मार्क किया था और मैंने चेक किया, वही आंसर राइट भी है. एंड देन इंडिया फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम इज लोकेटेड एट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, काफी न्यूज में हमने कवर भी किया था, हैदराबाद में है. जो डिफरेंट टाइप के रॉक को उसका पिक्चर भी मैंने ऐसे करेंट अफेयर्स के वीडियो में शो भी किया था, जो डेली करेंट अफेयर सेशन था आप लोगों के लिए वहां पे. सो हैदराबाद इसका राइट आंसर. तो यहां से भी इजिली आप देखो, अगर से डिफिकल्ट में रखोगे ना तो एक ये क्वेश्चन को डिफिकल्ट में रख सकते हो, बाकी तो फोर यहां से भी ईजी है. मतलब कि अगर से करेंट अफेयर्स पे फोकस किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. कन्याश्री इज अ वेरी फेमस स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, ये पर्सन का चलो ठीक है, इसको भी अगर से डिफिकल्ट कैटेगरी में रख सकते हो तो ठीक है, अगर से आपको थोड़ा सा अवेयरनेस नहीं है. बाय द वे ये फॉर्मर लॉ को तो आपने स्टडी किया ही होगा और ये करेंट अफेयर्स का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है. तो थ्री क्वेश्चन इजिली इस स्लाइड इस आउट ऑफ फाइव क्वेश्चन आप राइट मार्क कर सकते हो. हाँ, डायरेक्ट कंज्यूमर एक ऑप्शन था बट इंट्रा स्टेट. हाँ, डायरेक्ट कंज्यूमर तो यहां पे दिया भी है, वो क्वेश्चन में ही था मिताली, इट वॉज इन अ क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन में ही था, क्या था पता है, डील फॉर द कंज्यूमर बाय, वो इंट्रा स्टेट जो था ना उसमें डील कर सकते हैं, यही बेनिफिट था इसका. बेटर प्राइस फॉर द फार्मर एंड बेटर डील फॉर द कंज्यूमर. ओके ओके गाइस, सो ये आपका यहां से मैंने फाइव क्वेश्चन. नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन देखते हैं. मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी इज अडॉप्टेड फ्रॉम द बुक माफिया क्वीन ऑफ मुंबई रिटन बाई. अब देखो ये जो है ना थोड़ा सा बुक्स एंड राइटर टाइप का क्वेश्चन है, ये बुक्स एंड राइटर टाइप का क्वेश्चन है. ये भी मूवी थोड़ी सी रिसेंट में न्यूज में रही है, तो अगर से किसी ने फोकस किया होगा तो वो इजिली मार्क कर सकता है, अदरवाइज हो सकता है कि उसके लिए डिफिकल्ट हो जाए. सो डिड यू राइट द टीसनेट वेयर यू एक्सपेक्टिंग सच क्वेश्चंस इन जीके सेक्शन. वही सारे क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. अब सारे क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन अपियर किया है, सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है मेरे पास. ओके, सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वन बाई वन. हियर यू कैन क्रॉस चेक कि यही सेम क्वेश्चन थे और उसके क्या राइट आंसर है. ओके, यू mentioned that India's nominated the Australian version Kojangal. It was the event, the given the option. It has recently either race. Top 5 category में पूछा है ना, बहुत ही recent से पूछा है. Gulshan Tiwari top 5 category में है और उस short movie के category में है, उसका category different है. Kojangal वहाँ पे option में भी नहीं था. Kojangal was not there in the option. कोजंगल में एक वहां के ऑप्शन में एक जलीकट्टू था, एक ये था अपना जो मैंने राइट आंसर आपको बताया राइटिंग विद द फायर, और दो एक ऑप्शन थे, एक कोई फॉरेन की मूवी का नाम था. दैट्स आई एम सेइंग ना, वहां पे जो था ये कोजंगल ऑप्शन में ही नहीं था. ओके ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर फोक डांसर. अब देखो ये कंप्लीट क्वेश्चन ना काफी लेंथी है, ये कंप्लीट क्वेश्चन काफी लेंथी है, मैं आपको एक बार रीड करके बता देता हूं. हु वॉज द रिसिपियंट ऑफ द पद्मश्री फ्रॉम द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी फॉर रिविविंग ऑन द ट्रेडिशनल फोक डांस एट फ्रॉम. ठीक है, तो बेसिकली उनका नाम पूछ रहा है. आपने अगर वीडियो देखा होगा ना जब पद्मश्री डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसमें जो ट्रांसजेंडर लेडी है ना, जब इन्होंने रिसीव उस टाइम जब वो लेने गए थे उस अवार्ड को, तो वो सीन काफी इंटरेस्टिंग था, काफी यूट्यूब पे वायरल भी है. ओके, वो काफी यूट्यूब पे वायरल भी है, अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको रिमेंबर होगा. मजमा जुगाती वो ट्रांसजेंडर है जिनको ये मिला है फोक डांस से रिलेट करके. कंप्लीट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, राइट आंसर ये रहेगा. आफ्टर दैट ईश्रम सीक टू क्रिएट द डेटाबेस ऑफ, वेरी सिंपल क्वेश्चन. आप लोगों ने भी शायद से ईश्रम कार्ड बनवाया होगा किसी ने. ओके, नो वरी, एज आई कैन रिमेंबर इट वॉज लाइक व्हाट आर द रीजन फॉर डिस्ट्रेस इन
हाँ वो भी यहाँ पे है, वो क्वेश्चंस है, डोंट वरी, वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिया है। ई श्रम ये सिर्फ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए होता है, इसको भी आप बहुत इजीली मार्क कर सकते हो। अंडर विच स्कीम कैन इंडिविजुअल फॉर्म एसटीएससी कम्युनिटी आर वेमेन बोरो टू गेट बैंक लोन ऑफ बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़। इसका राइट आंसर था स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ये भी गवर्नमेंट स्कीम से, काफी स्कीम से आप देख सकते हो, 4-5 क्वेश्चंस है। ओके, एशियन गेम 2020 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर से इस पे आपने थोड़ा सा भी फोकस किया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन को मार्क करने में। तो फ्रॉम दिस स्लाइड गाइस आई थिंक इजिली 2 क्वेश्चंस में कोई डाउट है? चलो ये डिफिकल्ट में आप डाल सकते हो, आप इसको डिफिकल्ट में डाल सकते हो, बट इसको तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, इसको भी सॉल्व कर सकते हो, इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो आई थिंक 3 क्वेश्चंस आर 2 क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, 4 से 5 क्वेश्चन में थोड़ा सा हो सकता है कि 5 क्वेश्चन तो ठीक है अगर किसी ने इस पे फोकस किया होगा। बाय द वे 3 क्वेश्चन में तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप इजिली यहां से गेन कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज द विच अमंग द फॉलोइंग इज द की अंडरलेइंग रीजन ऑफ द एग्रेशन डिस्ट्रेस इन इंडिया, जो कृषि संकट जिसको बेसिकली बोलते हैं एग्रेरियन डिस्ट्रेस। सो इसका देखो ऑप्शन क्या था वो मुझे रिमेंबर नहीं है, आफ्टर द एग्जाम्स मैं वो भूल गया उसका ऑप्शन क्या था, किस टाइप के ऑप्शन वहां पे था। तो इसका ऑप्शन अगर से आपके पास है तो वो मार्क कर सकते हो, एग्जैक्टली क्या था वो मुझे भी रिमेंबर्स नहीं है। ओके, बट क्वेश्चन वॉज देयर, द सेम क्वेश्चन वॉज देयर, जितना मैं रिमेंबर कर पाया हूं वो यही क्वेश्चन था। देन एक क्वेश्चन देखो, ये काफी लेंथी क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रकाश स्टैंड फॉर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021 2020 का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना उसमें प्रकाश स्टैंड फॉर व्हाट एग्जैक्टली क्वेश्चन वाज, प्रकाश स्टैंड फॉर, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, वो काफी 3 लाइन का पूरा क्वेश्चन था। द क्वेश्चन एंड आंसर वॉज, इसका जो प्रकाश स्टैंड फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब देखो ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, किसी ने बहुत डीप में स्टडी किया होगा एजुकेशन पॉलिसी को तो वो इसको मार्क कर सकता है, अदरवाइज इट मे बी लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू गाइज। आफ्टर दैट देखो ये क्वेश्चन था सेम फ्रॉम जियोग्राफी से, द साउथ एंड मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इज नोन एज वॉट। ठीक है, मेन लैंड, हाँ वो अंडमान निकोबार की बात नहीं हो रही है जो एकदम पानी में है, वाटर में है, यहाँ पे मेन लैंड की बात हो रही है। तो स्वामी विवेकानंद रॉक, यही ऑप्शन था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्वामी विवेकानंद रॉक सेम यही ऑप्शन था, राइट? दिस ने भी मार्क किया होगा, दिस इज अ कन्याकुमारी में है ना, लास्ट लास्ट पॉइंट पे। ओके, सो दिस वॉज क्वेश्चन। देखो पीएम गति एकदम रिसेंट से, एकदम रिसेंट गवर्नमेंट स्कीम, जो अभी रिसेंट बजट अनाउंसमेंट हुआ वहां से क्वेश्चन है। पीएम गति शक्ति स्कीम प्राइमरली इंटेंड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो एग्जैक्टली वो इंफ्रास्ट्रक्चर से था, वहां पे और भी ऑप्शन थे, फॉर एग्जाम्पल रोड डेवलपमेंट, हाईवे डेवलपमेंट था, और एक और ऑप्शन था जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टाइप का एक ऑप्शन था जो मुझे रिमेंबर है। ठीक है, इसका जो एग्जैक्ट आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट करके ऑप्शन था, एग्जैक्टली ऑप्शन में नहीं था, नहीं ये तो ऑप्शन में था, ये ऑप्शन में था स्वामी विवेकानंद रॉक। हाँ मल्टी मॉडल, आई थिंक वही मल्टी मॉडल था वो जिसको मैंने मार्क किया था। एक तो हाईवे से रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर फॉर द मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, एग्जैक्टली मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी वाला जो ऑप्शन था ना वही करेक्ट था, उसमें और एक ऐसे ऑप्शन थे जो कि नहीं मैच कर रहा था, बिकॉज 7 पिलर है ना, 7 पिलर जो हमने डिस्कस किया था करेंट अफेयर्स में, अगर से आप जो भी क्लासरूम्स के स्टूडेंट होंगे, और शायद आई थिंक हमने बजट सेशन में भी 7 पिलर को डिस्कस किया था जिसमें रोड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सारी चीजें थी। ओके, देखो ये क्वेश्चन है आपके स्टैटिक ज्योग्राफी से, द फर्स्ट जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप इंट्रोड्यूस इन इंडिया, सो बीटी कॉटन जो ये ऑप्शन वहां पे था, करेक्ट? सो आई होप अगर से मार्क किया रहेगा आपने तो इट विल बी राइट। नेक्स्ट, द वन धन स्टार्टअप इज मास्टर प्लान फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द, इसका जो राइट आंसर था ट्राइबल,
ट्राइबल से रिलेट करके था, एसटीएससी था उसमें ऑप्शन था, एसटीएससी था, ट्राइबल था और एक दो ऑप्शन था जिसमें मैंने ट्राइबल मार्क किया था. ओके, देन नोबेल पीस प्राइज 2021 वॉज अवॉर्डेड फॉर, वेरी सिंपल. अब देखो इसको अगर आपने स्टडी नहीं किया होगा तो फिर आप किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते. बहुत ही कितनी बार रिकमेंड किया है कि ऑस्कर, नोबेल प्राइज, अवार्ड, ये सब इंपॉर्टेंट है. सो नोबेल पीस प्राइज लास्ट ईयर भी आया था जिसमें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था नोबेल पीस प्राइज. इस ईयर भी क्वेश्चन सेम है, नोबेल पीस प्राइज 2021 वॉज अवॉर्डेड फॉर सेफ गार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. ओके, सो ये आपका इसका राइट आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज अ नीति आयोग लॉ ऑन द सुरक्षित दादा दादी नाना नानी. सी ये क्वेश्चन काफी लेंथी है, इस कंप्लीट क्वेश्चन में आपको बता देता हूं क्या था एग्जैक्टली. इट वॉज हाँ बेसिकली सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान इन ऑल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट सेपरेटेड बाय द नीति सुपर हेडेड बाय द नीति आयोग एंड वहां पे डैश था टू बेसिकली वहां पे एक दूसरे इंस्टीट्यूशंस का नाम पूछ रहा है टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी फॉर द सीनियर सिटीजन्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जो ये कोविड पीरियड में स्पेशली नीति आयोग ने जिस एक एनजीओ के साथ स्टार्ट किया था वही वहां पे नाम पूछ रहा था, सेकेंड उसका नाम क्या था. सो इट वॉज द पीरामल फाउंडेशन. आई एम गिविंग ओके, सो प्लीज कंफर्म इट वॉज द सेम ऑप्शन देयर, पीरामल फाउंडेशन, आई थिंक सो. देखो एक यहां पे नेक्स्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, अ सर्कुलर इकोनॉमी फेवर द एक्टिविटीज दैट प्रेशर द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी लेबर एनर्जी लेबर एंड मैटेरियल्स. ये सारे ऑप्शन थे गाइस, एनर्जी लेबर मैटेरियल्स ये सारे ऑप्शन थे. वहां पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था विच वन इज द ऑड वन, ये पूरे लिस्ट में ना कौन सा इस पार्ट में नहीं आता, तो इट वॉज प्रॉफिट. ठीक है, जिसने भी प्रॉफिट मार्क किया होगा देयर आंसर वॉज राइट. ओके, सो ये फोर ऑप्शन थे, एनर्जी लेबर मैटेरियल्स एंड प्रॉफिट. नहीं, ये तीनों इसके पार्ट है, इसमें एक डिफरेंट पूछा था ना, एक डिफरेंट पूछा था तो प्रॉफिट वॉज द डिफरेंट, बाकी ये सारे ऑप्शन में थे एनर्जी लेबर एंड मटेरियल्स. देखो पंडित बिरजू महाराज से रिलेट करके क्वेश्चन आया, पंडित बिरजू महाराज बिलोंग टू विच घराना. अब देखो ये क्वेश्चन काफी लेंथी था, वो क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है मैं बता देता हूं आपको. विच कथक घराना डिड द लता पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज बिलोंग टू. ओके सॉरी ये एक्जैक्टली क्वेश्चन है, कथक घराना डिड द लेट पद्म विभूषण, एक्चुअली पद्म विभूषण अवॉर्डेड है ये, पंडित बिरजू महाराज बिलोंग टू कौन से घराना से बिलोंग करते हैं. सो बेसिकली वहां पे जो ऑप्शन था ना इट वॉज लखनऊ वॉज देयर. अगर आप सर्च करोगे ना तो ये घराना जो है ना वो लखनऊ से बिलोंग करता है. राइट लखनऊ ऑप्शन में था कि नहीं था. पंडित बिरजू महाराज बिलोंग टू विच घराना जो कि वहां पे सिटी का नाम दिया था, कोलकाता भी था, लखनऊ वॉज द राइट आंसर. ओके ओके, देख लेना एज पर मी आई थिंक प्रॉफिट जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रॉफिट मार्क किया था. अगर आपके अकॉर्डिंग एनर्जी है तो इट मे बी, जो मुझे थोड़ा सा रिमेंबर है ना उसके अकॉर्डिंग. देखो मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन को, अगर फिर से आप बोल रहे हो ना तो मैं देख लेता हूं. जो क्वेश्चन था इट वॉज द सर्कुलर इकोनॉमी फेमस द एक्टिविटी दैट प्रिजर्व द वैल्यू इन फॉर्म ऑफ, तो उसमें से एक वही ऑड वन पूछा था ना, ये तीनों ऑप्शन से डिफरेंट प्रॉफिट था. ओके ठीक है, बाय द वे जो भी आपने मार्क किया अकॉर्डिंग टू दैट विल सी इज इट नॉट जयपुर. नहीं जयपुर तो नहीं है, कंफर्म 100% है क्योंकि मैंने इसको ना करंट अफेयर्स के डेली करंट अफेयर्स में भी एक्सप्लेन किया हुआ है. लखनऊ इज अ 100% आंसर, करेक्ट राइट आंसर. नाउ सी द देखो ऑपरेशन फ्लड लॉन्च इन, देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ना टर्न करके पूछा है. एवरी ईयर लास्ट टू ईयर्स कंटिन्यू द क्वेश्चन इज रिलेटेड वॉज रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन, जो हमारा ग्रीन रिवैल्यूएशन है, व्हाइट रिवैल्यूएशन है, पिंक रिवैल्यूएशन है, उससे रिलेटेड करके क्वेश्चन आता है ना एवरी ईयर. अब देखो यहां पे थोड़ा सा उससे क्वेश्चन सेम है,
दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वाइट रिवॉल्यूशन, बट किस वे में पूछा है? ऑपरेशन फ्लड लॉन्च इन कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था? तो 1917. जितने चीजों को मैंने गेस किया था कि यहां से क्वेश्चन आएगा, ऑस्कर से आएगा, नोबेल से आएगा, इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन से आएगा, वहां सब जगह से क्वेश्चन आ रहे. ओके, इंडियाज न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म फेयर इंट्रोड्यूस इन ईयर 1991. देखो इसके लिए ना जो ऑप्शन थे, सी गाइस, इसके लिए जो ऑप्शन थे मैं वो ऑप्शंस बता देता हूं क्या क्या था. उसमें एक लिबरलाइजेशन था, ग्लोबलाइजेशन था, एंड प्राइवेटाइजेशन था, और सेंट्रलाइजेशन था. तो कौन सा उस पार्ट, उस जो रिफॉर्म के लिए पॉलिसी बनाई गई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में, विच वन इज नॉट बिलोंग टू दैट पॉलिसी? द क्वेश्चन वॉज लाइक दैट. ओके, सो यहां पे राइट आंसर जो मार्क करना था, इट वॉज सेंट्रलाइजेशन. ओके, ऑफ नहीं तैयार क्वेश्चन. सी यहां पे मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अवेयर करा रहा हूं, जिसका जो भी पॉसिबल, जो एज पर मी राइट आंसर हो सकता है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं. नहीं, प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, सेंट्रलाइजेशन होगा ना, वो उस पार्ट में नहीं था. बाकी तो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन इज द पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी. ठीक है, इस पॉलिसी का ये तीनों पार्ट थे, यही सेंट्रलाइजेशन इज द नॉट पार्ट ऑफ दैट. प्राइवेटाइजेशन ही होगा, कैसे होगा? ओके, अब देख लेना, इसको हमने इकोनॉमी के फर्स्ट स्लाइड पे इसको कवर किया है, व्हाट आर द थिंग्स आर इन दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. After that, ये question थोड़ा सा difficult हो सकता है guys, because the motto of Indian Army formed by नेताजी सुभाष चंद्र बोस. देखो ये history से एक ही question अभी तक मुझे देखने को मिला है. I was expecting कि at least 4 question आएगा history से, ancient, medieval या कहीं से भी 4 question आएगा, but only 1 question is there from the modern history, and अभी जो question है it's related to the नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और थोड़ा सा difficult है, because हमें जो remember है वो बस वही remember है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा. करेक्ट, हमको जो याद है वो वही याद है, बट ये थोड़ा सा इनडेप्थ क्वेश्चन पूछ दिया था, जिसमें हिंदुस्तानी यूनिटी, फेथ एंड सेक्रीफाइस, ये ऑप्शन था, काफी लेंथी ऑप्शन था. आफ्टर दैट, हु इज नोन द बेस्ट पर्सन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ अफॉरेस्टेशन इन इंडिया बाय प्लांटिंग द ट्री अलॉन्ग अ साइड ऑफ हाईवे. ये एग्जैक्टली क्वेश्चन थोड़ा सा और लेंथी है. हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द बेस्ट नोन फॉर द contribute of afforestation in India by the planting tree along the side of highway. Exactly question थोड़ा सा lengthy है, exactly थोड़ा सा questions lengthy है, but इसको मैंने short में थोड़ा सा जो भी मुझे remember हो पाया वो मैंने यहाँ पे दिया आपको, जिसका right answer है यालू मर्दा थिमक्का. okay, तो ये भी I think मुझे भी remember नहीं था ये किस person से relate करके है ये, तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है. हु इज द फादर ऑफ फुटबॉल इन इंडिया, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन हट के है, अगर से आपको स्पोर्ट्स से थोड़ा सा, हाँ इत्तेहाद, हाँ एग्जैक्टली ये कंप्लीट पूरा था वहां पे. अब देखो ये 14 जो है ना, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कितना हो पाएगा, इस पर भी हम डिस्कस कर, अभी इसको कंप्लीट कर लें कि ये लास्ट क्वेश्चन है आपका. हु इज द फादर ऑफ द फुटबॉल इन इंडिया, सो नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी इसका राइट आंसर था, जो ऑप्शन में भी था. सो जिसको भी पता होगा वो मार्क कर सकता है, अदरवाइज डिफिकल्ट हो सकता है ये वाला, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली जो पार्ट ऑफ सिलेबस है उसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम स्टडी नहीं करते हैं. राइट, तो गाइस दीज ऑल आर द 40 क्वेश्चन यहाँ पे जो मैंने मैंशन किया, अगर से आप स्लाइड बाई स्लाइड जो एक्सप्लेन किया उस बेसिस पे देखो तो आई थिंक क्वेश्चन वॉज मॉडरेट. आपको 25 से 30 तक मतलब एक बेटर स्कोर हो सकता है, जिन्होंने बहुत डीप स्टडी किया होगा दे विल गेट द मोर देन 30, बट एक गुड अच्छा स्कोर 25 से 30 के बिटवीन हो सकता है, बिकॉज क्वेश्चंस वाज रिलेटेड टू द करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर्स पे जिसने भी फोकस किया होगा सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, वो इजिली गेन कर सकते हैं. और जो मिनिमम की बात कर रहे हो तो मिनिमम देखो, अगर से मैं स्लाइड बाय स्लाइड सारे क्वेश्चन की बात करूं तो 14 इज टू गेट द 14 मार्क्स इज नॉट ए डिफिकल्ट, अगर से आपने थोड़ा भी फोकस से स्टडी किया है ना, टू गेट अ 14 मार्क्स इज नॉट ए डिफिकल्ट, बहुत इजीली हो जाएगा. कट ऑफ क्या हो सकता है? कट ऑफ लास्ट ईयर की तरह ही होगा, जीके का कट ऑफ थोड़ा सा डिफिकल्ट मतलब डाउन हो सकता है, अगर से लास्ट ईयर लोग 30 एबव अगर से गेन किए होंगे तो इस ईयर 30 तक आई कैन गेस कि 30 तक मैक्स टू मैक्स स्कोर जा सकता है जीके का,
और जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया हो, नो डाउट दे विल गेट अ मोर, कोई बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, बट हाँ जो एक नॉर्मल एवरेज मार्क्स हो सकता है, इट्स अ 25 से 30 के बिटवीन हो सकता है, बट डोंट वरी अबाउट दैट, 14 तो ईजिली मिल जाएगा। करेंट अफेयर्स पे थोड़ा सा भी फोकस किया वहां पे तो आई डोंट थिंक कोई बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। ओके 14 मार्क्स का तो टेंशन मत लो, क्योंकि मैं यहां पे आपको शो कर सकता हूं ना। देखो अगर से आपने, चलो स्लाइड बाय स्लाइड अगर से मैं आपको शो कर दूं, इस स्लाइड से आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस स्लाइड से एटलीस्ट वन क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन कर सकते हो ना, वन क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन इस स्लाइड से कर सकते हो सिर्फ इस। अब नोवेल भी प्राइस भी नहीं पढ़ोगे तो फिर तो डिफिकल्ट हो जाएगी ना। दूसरे स्लाइड से देखो यहां पे, दूसरे में अगर से पीएम गति शक्ति जो स्कीम है इसको तो आपने अच्छे से स्टडी किया ही होगा। चलो यहां पे डिफिकल्टी हो सकती, यहां पे तो एटलीस्ट फर्स्ट कॉटन में यहां पे भी नहीं हुआ, तो ये वाला दो क्वेश्चन यहां से पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, दो क्वेश्चन, थ्री क्वेश्चन हो गया। बाकी इस स्लाइड से अगर से मैं बात करूं, अगर से गवर्नमेंट ये जो अवार्ड है इसको तो पढ़ना ही है, ये वाला क्वेश्चन ईजी है। आफ्टर दैट ई श्रम ये भी इजी है, तो 3 मार्क्स यहां से हो गए, तो 3-3, 3-5, 1-6 बहुत मतलब नॉर्मल सिचुएशन में बता रहा हूं। ये वाला भी इजी, इट मींस रिलेटेड टू द करेंट अफेयर्स है, और ये वाला भी करेंट अफेयर्स में हमने कवर किया है। कन्याश्री ये भी इजी है, तो 3 मार्क्स यहां से हो गए, 9। ओके यहां से ज्योग्राफी से ये आप इजिली गेन कर सकते हो, नीरज चोपड़ा वाला गेन कर सकते हो, बंधन बैंक वाले में चलो थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, बट आउट ऑफ दिस स्लाइड 3 का यहां से भी कर सकते हो, तो 12 का हो गया। बाकी यहां पे देखो 1 ये डिफिकल्ट, यहां पे 1 हो गया, यहां पे 1 हो गया, यहां पे 1 हो गया, 4 यहां पे, आई डोंट थिंक यहां पे बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, सिर्फ यही एक ही क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, सिर्फ यही डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है। तो 4, 9 एंड 4, 13 यहां से भी मैंने देखो 3-4 बताया, तो 13-3 अगर मिनिमम 13 एक्सपेक्ट करते हो तो 13-16, तो एकदम मिनिमम एवरेज जो मैं बता रहा हूं कि 16 तो आपका 100% आना ही है। बाकी जो अदर क्वेश्चन में तुक्का मारोगे तो 20-20 तक तो राइट चले जाएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, बट जिन्होंने थोड़ा सा सिंसियरली प्रिपरेशन किया होगा, थोड़ा सा फोकस किया होगा करेंट अफेयर्स में, तो आई डोंट थिंक कि बिटवीन 25 से 35 में उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मिनिमम जो 16 का मैंने रेंज बता दिया, ओके ठीक है। सो गाइज इस सारे क्वेश्चंस का एक आंसर पूरा प्रॉपर डिजाइन करके कंटेंट में कहां से कौन से मन से करेंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके से क्या है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, अभी तो नहीं, आफ्टर दैट इसको अपडेट कर दूंगा, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट जहां पे पूरे डिटेल्स आप लोग को मिल जाएंगे। एंड दोज हु आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर वो इंक्वायर कर लेना मेनुअर के वेबसाइट पे, विजिट कर लेना, ओके मेनुअर वेबसाइट पे विजिट कर लेना, वहां पे नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी प्लान करें आप लोग को प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप देख सकते हो कि कितना इन डेप्थ हम रिसर्च करते हैं फॉर दिस एग्जाम्स के लिए। तो पूरा एक्चुअल क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है, और एग्जाम पैटर्न को अंडरस्टैंड करके टू द पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। ओके गाइस, सो आई होप सो दिस सेशन विल बी बेनिफिशियल। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसको विजिट कर लेना आप लोग। ओके अभी नहीं, आई थिंक कल तक अपडेट हो जाएगा वो लिंक जिसपे सारे क्वेश्चंस के डिटेल्स होंगे, कौन सा क्वेश्चन किस कैटेगरी से है, कौन से सेक्शन से आया है, गवर्नमेंट स्कीम से कितने क्वेश्चंस आए हैं, कितने क्वेश्चंस स्टैटिक ओरिएंटेड है, कितने क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के अलग अलग पार्ट्स हैं, सारे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन आप लोगों को वहां पे पोर्टल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उस पर विजिट कर लेना। सर फिनटेक का आंसर, अब देखो फिनटेक का आंसर क्या था ना, वो तो मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, यहाँ पे किसी ने ई कॉमर्स पोस्ट किया है, तो आई थिंक इट वॉज एग्जैक्टली उसका ऑल द 4 ऑप्शंस क्या थे वो मुझे भी रिमेम्बर अभी नहीं है, वो पोर्टल पे मिल जाएगा, मैं इस चैट के थ्रू अपडेट कर दूंगा गाइस जो भी पॉसिबल ऑप्शन होगा। इंग्लिश के आंसर्स नहीं बताएंगे सी 40 क्वेश्चंस को रिमेंबर करना बहुत डिफिकल्ट होता है एग्जाम में, वहां पे ना पूरा 100 मिनट बैठ के ना एक क्वेश्चंस को रिमेंबर करना पड़ता है कि क्या क्वेश्चन एग्जैक्टली है, फिर बाहर आके पूरे क्वेश्चंस को नोट करना पड़ता है। सो हाउ इट्स पॉसिबल फॉर मी टू रिमेंबर ऑल द जीके क्वेश्चन एंड इंग्लिश क्वेश्चन। इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स का बाइफर्केशन पूरा डिटेल्स देव सर ने एनालिसिस पूरा दे दिया है जस्ट बिफोर मी, इसके पहले का उसका आप देख लो, पूरा आइडिया मिल जाएगा।
ई कॉमर्स होगा। ओके देखो, कोई ई कॉमर्स बोल रहा है, कोई ब्लॉकचेन बोल रहा है, तो अभी आई डाउट कि उसका क्या होगा, विल सी जो भी होगा। बट दीज दीज ऑल द क्वेश्चन वॉज एज इट इज, ये सेम सारे क्वेश्चन है। ऑप्शन में चलो थोड़े से अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ राइट है कुछ रॉन्ग है एज पर अस, जो भी प्रॉब्लम्स हो सकता है, बट क्वेश्चन सारे क्वेश्चन वही है एज इट इज है, राइट। सो जिन लोगों ने भी अपियर किया है, आप अपना इवेल्युएशन कर सकते हो। जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल है, दे कैन मेक अ रोड मैप, ओके, कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके लिए भी काफी ईजी होगा। एंड दोज हु आर प्लानिंग टू अपियर द नेक्स्ट ईयर, दे कैन इंक्वायर अबाउट द प्रिपरेशन प्लानिंग, क्या हो सकती है, किस वे में प्रिपरेशन करता है करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, नंबर रहेगा, वो आप पूरा अच्छे से विजिट कर लेना, मेनुअर सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर लेना जो भी क्वेरी रहेगी। ओके गाइस, चलो एवरीवन, बाय बाय एंड गुड नाइट, सी यू इन नेक्स्ट सेशन। कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो डेफिनेटली वी विल कवर, ओके। कुछ एंड एडिशनल क्वेरीज हैं सो आप कमेंट में जो भी बाद में इस सेशन को देख रहे हैं, नॉट अ लाइव सेशन, सो वो आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स में आपके क्वेरीज पूछ सकते हो, डेफिनेटली वी विल रिप्लाई, ओके, आप लोगों के जो भी आंसर होंगे। चलो एवरीवन, बाय बाय एंड गुड नाइट।